आप देख रहे हैं ये पेट्रा का चिलर है और इसकी स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे इसमें इसमें चार कंप्रेसर हैं और रेफ्रिजरेट बैठ के आप देख लें। तो हम पहले थोड़ा कंट्रोल डिस्कस करेंगे टेम्परेचर मालूम करने के लिए। मेन्यू दबा कर आप F3 दबा दीजिए, आपको टेम्परेचर दिख जाएगा जो इस वक्त सेंटीग्रेड में चल रहा है। और एक ये इसका माइक्रोप्रोसेसर कार्ड है, ये पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की और इसके अंदर ये रिलेज लगी हुई हैं BMS की। ये चार सर्किट हैं इसके अंदर, ये कुछ रिलेज हैं और ये कंप्रेसर के स्विचेस हैं। ये मेन ब्रेकर है इसको ऑन ऑफ करने के लिए और एक ये ट्रांसफार्मर लगा है इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन 100 KVA का है ये, सॉरी 100 वोल्ट का है ये। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये कंप्रेसर है, चार कंप्रेसर हैं इसके अंदर, ये कंडेंसर है इसके दोनों साइड्स पर होता है और ये स्टेनर है। और ये जो स्टेनर के ऊपर लगा हुआ है ये रिलीफ वाल्व होता है, इसका अगर प्रेशर बढ़ जाए तो ये रिलीज कर देता है सारी गैस को। उधर आप देखें सोलेनॉइड वाल्व है और उधर हाई प्रेशर लो प्रेशर के ये गेज हैं, मैं आपको सामने से दिखाऊंगा अभी। और इधर आप देखेंगे ये सोलेनॉइड वाल्व लगे हुए हैं, ये एक्सपेंशन वाल्व हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होते हैं ये। और वो रिलीफ वाल्व लगा हुआ है सामने, ये स्टेनर है इसका, इसमें ये आप देख सकते हैं इसके कूलर के अंदर, ये कूलर है सामने, दो कूलर इसके अंदर हैं टोटल और मतलब सीरीज़ में लगे हुए हैं दोनों, जो है ना पैरेलल नहीं है कूलर, सीरीज़ में लगे हुए हैं। ये इसका दूसरा कंप्रेसर है, देखें आप इसकी डिस्चार्ज का साइज़। और ये कूलर में पाइप जा रहे हैं और ये वाटर इन की है ये नीचे वाली, ये जो है ये वाटर आउट है जो ठंडा होके जा रहा है इसमें से। इसका प्रेशर आप देखें, ये फ्लो स्विच है जो हमारे चिलर को बताता है कि पानी आ रहा है तो इसको चलना चाहिए, अगर पानी नहीं आता तो फिर ये स्टॉप कर देता है कंप्रेसर को। ये इन पे लगा हुआ होता है, ये इन है वाटर, ये वाटर आउट है। और एक ये आप देख रहे हैं वाटर इन के ऊपर एक गेज लगा हुआ है जिसका प्रेशर आप देख सकते हैं 100 PSI इसका प्रेशर है और मिनिमम इसका जो बार में प्रेशर है वो मिनिमम ऑलमोस्ट 7 bar है। और हम आगे चलेंगे, ये आप देख सकते हैं ये पाइप, ये सोलेनॉइड वाल्व है और ये वाटर इन है जो कूलर में हो रहा है। इसमें दो कूलर हैं ठीक है, आप ये देखें एक कूलर के पाइप ये जा रहा, ये इन है वाटर और एक आगे लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये आपने देखा ये तीसरा कंप्रेसर है, ठीक है, और ये चौथा कंप्रेसर है इसका जो इस वक्त रनिंग में है। इसे तीन कंप्रेसर इस वक्त चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ये रिलीफ वाल्व है ये जो लगा हुआ है, ठीक है, देखें आप, ये आप देख सकते हैं इसका स्टेनर, ठीक है। और ये जो लगा हुआ है वाल्व ये है रिलीफ वाल्व, अगर प्रेशर बढ़ जाए बहुत ज़्यादा या फिर कोई चॉकिंग आ जाए इसमें तो ये वाल्व सारी गैस को रिलीज कर देता है यहाँ से, ठीक है। ये आप देखें इसका कंप्रेसर, मैं आपको मेन प्लेट भी दिखाऊंगा। ये चिलर का देखें आप, ये R134 का हाई प्रेशर का इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो ये है और सक्शन प्रेशर इसका ये है, आप देखें।
यहाँ से देखें ये पूरा चिलर है, इसमें 12 कंडेंसर फैन हैं और ये एंड तक बिल्कुल आप देख सकते हैं इस चिलर को, इसकी लंबाई कितनी है, तकरीबन एक बस जितनी इसकी बड़ी लंबाई होती है और चौड़ाई भी तकरीबन सेम ही होती है।